चलिए एक वैक्टर का क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्या है लेट ए वैक्टर इक्वल टू टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के एंड बी वैक्टर इक्वल टू सेवन आई प्लस जे माइनस सिक्स के इफ आर क्रॉस ए इक्वल टू आर क्रॉस बी आर डॉट आई प्लस टू जे प्लस के इक्वल टू माइनस थ्री देन आर डॉट टू आई प्लस थ्री जे प्लस इक्वल टू क्या होगा आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन अच्छा है और आपको बताना है कि आप पहले तो आपको आर निकालना होगा तो आर कैसे निकालेंगे सबसे पहले देखिए ए वैक्टर दिया है टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के बी वैक्टर दिया है सेवन आई प्लस जे माइनस ऑफ सिक्स के आर क्रॉस ए इक्वल टू आर क्रॉस बी बोला है इसका मतलब है आर क्रॉस ए सॉरी इसको आप ऐसे माइनस लिख लेंगे ऐसा लिख लीजिएगा आर क्रॉस ए माइनस आर क्रॉस बी इक्वल टू जीरो तो आर कॉमन लिया तो आर क्रॉस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है जब जबकि दोनों वैक्टर आपस में पैरेलल या कॉलिनियर हो यानी ए वैक्टर पैरेलल टू बी इसका मतलब है ए वैक्टर इक्वल टू लेमडा बी लिख सकते हैं कॉलिनियर या पैरेलल की कंडीशन तो आप चाहें तो आगे जाकर लिख सकते हैं ए आर वैक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए माइनस बी अब आर को हम कंसिडर कर लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के राइट तो अब आर क्रॉस तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए माइनस बी तो ए माइनस बी करेंगे तो माइनस फाइव आई माइनस फोर जे प्लस टेन के यानी आप ऐसा बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस फाइव लेमडा वाई इक्वल टू माइनस फोर लेमडा जेड इक्वल टू टेन लेमडा अब हमारे पास कुछ और कंडीशन भी है कि r डॉट i प्लस टू जे प्लस के करते तो माइनस थ्री तो r डॉट तो r मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई प्लस टू जे प्लस के जब आपने किया तो माइनस थ्री मिला इससे मिल जाएगी x प्लस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस थ्री एक्स की वैल्यू रख दीजिए माइनस फाइव लेमडा टू का मल्टीप्लाई करिए माइनस एट लेमडा प्लस टेन लेमडा इक्वल टू माइनस थ्री राइट आर डॉट आई प्लस जे तो एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस थ्री एक्स की वैल्यू है माइनस फाइव लेमडा ए माइनस बी आपने जब किया ठीक है तो माइनस फाइव माइनस टेन तो ये हो गया माइनस थर्टीन प्लस टेन तो माइनस थ्री लेमडा इक्वल टू माइनस थ्री तो लेमडा इक्वल टू वन अब लेमडा वन आ गया तो इसका मतलब मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई माइनस फाइव वाई की आ गई माइनस फोर जेड की आ गई टेन और आपसे पूछा है आर डॉट टू आई प्लस थ्री जे प्लस के इसका मतलब इक्वल टू पूछा है तो आर की जगह लिखा माइनस फाइव आई माइनस फोर जे प्लस टेन के डॉट टू आई प्लस थ्री जे प्लस के एंड दिस इज माइनस टेन माइनस ट्वेल्व 10. तो देखिए आपने सॉल्व किया तो क्या आ गया माइनस ऑफ ट्वेल्व करेक्ट आंसर माइनस ट्वेल्व अब नहीं है तो मैं बताता जो आया, वो अभी रख, रख ले, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आप सोचिए कि अगर यहाँ पर माइनस थ्री होता तो आप खुद ही बताइए क्या हो जाता यानी एक छोटा सा ये करेक्शन जरूर था ये टू आई माइनस थ्री जे प्लस के तो अब ये मिलता आपको माइनस टेन प्लस ट्वेल्व माइन प्लस का टेन तो ये आ जाता है ट्वेल्व यानी यहां पर एक माइनस था जो कि बाय चांस प्लस आ गया पर प्लस से आपका आंसर आता है माइनस ट्वेल्व और माइनस से आपका आंसर माइनस ट्वेल्व आता है राइट नोट कर लीजिए